हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मोनिका सोल फ्रॉम एमबी इंटरनेशनल स्कूल नया गाँव. टुडे वी विल बी डूइंग द फिफ्थ चैप्टर मिडाइवल मॉन्यूमेंट्स पार्ट टू. यस, द सन टेम्पल एट कोणार्क इज डेडिकेटेड टू द सन गॉड. द नेम इज ऑन द प्रिसाइडिंग डेटी कोणार्का, द मीनिंग ऑफ विच इज अर्का. अर्का का मतलब होता है सन, एंड ऑफ कोना इट मीन्स कॉर्नर. कॉर्नर को बोलते हैं ना कोना, ये होता है. तो कोणार्क दे हैड गिवन द नेम, बिल्ट बाय नरसिम्हा देवा. हु हैड बिल्ड दिस कोणार्क टेम्पल? दैट वाज द विच इज द सन टेम्पल. इट वाज बिल्ट बाय नरसिम्हा देवा, अ रूलर ऑफ ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी इन द 13th सेंचुरी. इट्स मेन टेम्पल वाज कंसीव्ड एज अ ह्यूज एंड कोलोसल चैरियट विद 12 पेयर्स ऑफ लेविशली ऑर्नामेंटेड व्हील्स ड्रॉन बाय 7 हॉर्सेज. देखो, ये 7 हॉर्सेज जो बनाए थे उनको, ये उसको ड्रॉ कर रहे थे, मतलब ये टेम्पल को खींच रहे हैं इस तरह से, दैट लाइक अ चैरियट दे हैड मेड दिस टेम्पल. बहुत सुंदर सा टेम्पल ही हैड बिल्ट सी. देन नाउ कम्स द इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर. नाउ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर थोड़ा सा डिफरेंट था, अलग तरह का था. इस्लामिक आर्किटेक्चर केम टू इंडिया विद द टर्क्स एंड वॉज टेकन टू इट्स ग्रेटेस्ट हाइट बाय द मोगल्स. टर्क्स लेके आए थे और उसको आगे जो लेके गए वो थे मोगल्स. One of the first things the new rulers did was to build houses and mosques for their followers. These were initially built in strict Islamic tradition, but soon the original purity was lost and many Indian architectural elements were adapted. अब सबसे पहले जो मॉस्क बनाए थे वो बिल्कुल स्ट्रिक्टली जो इस्लामिक रूल्स को फॉलो करते हुए बनाए थे, बट आफ्टरवर्ड्स द इंडियन कनेक्शन उधर हुआ था. इंडियंस अपनी जो आर्किटेक्चुरल एलिमेंट्स हैं ना वो भी ऐड कर दिए, तो वो थोड़ा सा डिफरेंट हो गया. लाइक छतरीज, स्मॉल अम्ब्रेलाज लाइक कियोस्क और पेविलियंस, छज्जाज के ईव्स एंड झरोकाज विंडो एम्ब्रेसर्स, ये सारी चीज़ें उन्होंने वहाँ पर बनाई हुई थी. At the same time, they also introduced various elements such as the dome, the true arc and minarets in India. This blending of traditional styles prevalent in India, Hindu, Jain and Buddhist, and the Islamic style led to the rise of Indo-Islamic style of architecture. ये यहाँ पर देखो, हिंदू, जैन एंड बुद्धिस्ट, इन्होंने ये ट्रेडिशनल स्टाइल जो 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 लिया वो इस्लामिक स्टाइल की तरह से उन्होंने वो टेम्पल्स बनाए थे. तो दैट स्टाइल दे टुक, दैट आर्किटेक्चर, इस्लामिक आर्किटेक्चर दे टुक, दैट स्टाइल दे टुक, एंड दे हैड बिल्ड द टेम्पल्स ओवर देयर. टिल द 12th सेंचुरी द ट्रेबेट स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर वॉज यूज फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पज. 12th सेंचुरी तक कौन सा स्टाइल चल रहा था? ट्रेबेट स्टाइल, दैट वॉज यूज फॉर कंस्ट्रक्टिंग द टेम्पल. नाउ दीज आर यर इन दिस स्टाइल द रूफ डोर्स एंड. अब ट्रिबेट स्टाइल में क्या था, जो रूफ्स डोर्स एंड विंडोज वर मेड ऑफ प्लेसिंग हॉरिजॉन्टल बीम्स अक्रॉस टू वर्टिकल कॉलम्स. फ्रॉम द 12th सेंचुरी ऑनवर्ड्स द आर्क्वेट सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन विच द वेट ऑफ सुपर स्ट्रक्चर अबव द डोर एंड विंडोज वो कैरीड बाई आर्क्स. आर्क्स बना के जो मंदिर में वो स्टाइल उन्होंने अपनाया था, एंड दैट वॉज कॉल्ड द आर्क्वेट सिस्टम एंड ट्रिबेट स्टाइल. नाउ आर्क एंड डोम, सी द आर्क एंड डोम दिस वे, ये वाले जो है ना, ये आर्क और ये डोम जो बनाते थे ऊपर लाइक अ बॉल शेप, दैट वे दे वर यूजिंग दैट. द आर्क एंड डोम अराउंड रूफ विद अ सर्कुलर बेस बट वर टू ऑफ द मेन फीचर्स इंट्रोड्यूस बाय द सल्तनत रूल्स एंड द मोगल इन इंडिया. अर्लियर आर्क्स वर मेड यूजिंग द कॉर्बल टेक्निक्स इन विच स्टोन्स वर अप्लाइड बाय नीटली अ पर्टिकुलर आर्क लाइक वे विच मेट एट द टॉप. ट्रिबेट स्टाइल, नो ये ट्रिबेट स्टाइल कहलाता है. दिस वे द आर्क एंड डोम स्टाइल जो होता है ना, दैट इज कॉल्ड द ट्रिबेट स्टाइल. सी दिस जहांगीर महल है, दिस आगरा फोर्ट, दिस इज द ट्रिबेट स्टाइल महल जो बनाया था जहांगीर ने. बट कॉर्बल आर्क वर नॉट स्टेबल इनफ फॉर मेकिंग वेरी वाइड गेटवेज, थस द ट्रू आर्क सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस बाय द टर्क्स. अब ये थोड़ा सा अच्छा सिस्टमैटिक वे से नहीं लग रहा था, दैट इज़ वाई दे यूज द टर्क्स यूज दिस स्टाइल द ट्रू आर्क सिस्टम. एंड वी कैन सी द फर्स्ट ट्रू आर्क इन बलबन्स टूम. ये बलबन्स टूम जो है ना, उसमें जो ट्रू आर्क जो था, एक्चुअली जो आर्क कैसे बनाया जाता है, दैट वी कैन सी इन दिस. And to make a true arc, a keystone was needed to balance the other stones on both sides and make them stay together. Arcuate style. इसको arcuate style बोलते हैं. उस वो style लेके उन्होंने यहाँ पर arc बनाया था. The use of arcs and domes meant that many pillars were not needed to support the structure's weight. This provided wider gateways, clearer views, and larger spaces for meeting that were. Now this way they had see arcs and domes कैसे थे, pillars कैसे होते हैं, उसको कैसे वो weight सहन कर सकते हैं कि नहीं. All
all that they had to see, and then they had to build that type of ark. And now what they are showing over here, this provided wider gateway. Now gateway, it is wider or no, that could clearly see. Now here, held in the palaces and mosques, domes were spherical structures on the roof of a building. Now here the domes were spherical shape, and on the roof, the top of the roof, the building ke jo top tha wahan par dome shape banaya tha. डेकोरेशन, हाउ दे यूज टू डेकोरेट इट, सी फ्लावर एंड ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस. वो लोग ज़्यादातर क्या यूज़ करते थे, फ्लावर एंड ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस यूज़ करते थे टू डेकोरेट दिया पैलेसेस. एंड मैनी हिंदू डिज़ाइंस सच एज अ स्वास्तिका, बैल, लोटस वो अडॉप्टेड बाय द टर्क्स एंड मोगल्स. हिंदू डिज़ाइंस भी उन्होंने लिए थे, जैसे कि स्वास्तिक बनाते थे वो उनके कंस्ट्रक्शंस में, पैलेसेस में दे यूज बैल, लोटस का भी वो था उनके पास दैट. एंड दे दिस वर यूज बाय टर्क्स एंड द मोगल. सी हाउ दे हैव डेकोरेटेड योर, दे हैव रिटन ऑल्सो, सम थिंग्स आर रिटन ऑल्सो, एंड इंस्क्रिप्शंस आर देयर, कैलीग्राफी इज देयर. सी सो ब्यूटिफुली दे हैव डन दैट डिज़ाइन. एन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर इज द ह्यूमन एंड एनिमल फिगर्स वर नॉट यूज वाइल डेकोरेटिंग एनी इस्लामिक स्ट्रक्चर. कोई भी इस्लामिक स्ट्रक्चर में दे नेवर यूज टू टेक एनिमल स्ट्रक्चर, कोई एनिमल की जो इंस्क्रिप्शंस थे ना वो नहीं होते थे उसमें. This is because it considers un-Islamic to celebrate life forms. One of the reasons for the large-scale destruction of temples by the Muslim rulers and invaders was the use of human and animal sculptures and paintings in the temple. अब बहुत सारे जो constructions थे ना उन temples के, वो Muslim rulers ने तोड़ दिए थे. Why? Because they were angry that they are using the animals and the human structures, the inscriptions थे ना, तो वो उन्होंने तोड़ दिए गुस्से में कि why they are taking the live structures over there. That is why. The Islamic rulers had verses from Quran beautifully carved on the walls. Calligraphy or the art of ornamental writing became very popular during this time. Here, this is written over here. This is all written over here in Urdu. See, Islamic language. Quran beautifully carved. They used to cut. They used to carve the Quran also on their palaces, and so that, and the calligraphy, beautiful calligraphy was done over there. Then we'll talk about the Sultanate architecture. Now what is Sultanate architecture? That is again different thing. The Sultanate rulers built mosques, tombs, minars, forts and fortresses cities. The Qawwal-ul-Islam Mosque, the Qutub Minar, the Alai Minar, the Taglukabad Fort and the Firoz Shah Kotla Fort are some important monuments of this period. Initially they built on palaces, grounds and temples belonging to the defeated rulers. They then used material procured from the destroyed buildings to build structures elsewhere. जिस भी रूलर को वो डिफीट करते थे, जिस टेम्पल को वो डिस्ट्रक्ट करते थे, उसी का जो मटेरियल था ना, दे यूज टू यूज एंड दे यूज टू कंस्ट्रक्ट देयर ओन स्टाइल थिंग्स ओवर देयर. एंड ग्रेजुअली दे बिगैन बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स फ्रॉम स्पेशली प्रिपेयर स्टोन कॉल्ड ड्रेस स्टोन. ड्रेस स्टोन यूज करके फिर उन्होंने अपने कंस्ट्रक्शंस नए तरीके से बनाते थे वो लोग. द लोदी इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ गार्डन टोम टू इंडिया. लोदीज ने क्या इंट्रोड्यूस किया था, गार्डन टोम यूज़ किया था in India. Mughal architecture. A large number of monuments were built during the Mughal period. Mughal period was the time when many of the monuments, beautiful monuments, were constructed. Architectural constructions under the Mughals were grander than construction done by the Sultanate rulers. The Mughals built many beautiful monuments such as forts, palaces, gates, hammams, sarais, mosques and baolis. The use of running water in the garden, palaces and other buildings were a special feature of the Mughal. मोगल्स के जो भी कंस्ट्रक्शन होते थे, मॉन्यूमेंट्स होते थे, उसमें उस पैलेसेस में गार्डन ज़रूर होते थे. एंड इन द गार्डन देयर वाज फ्लोइंग वाटर लाइक अ फाउंटेन दे यूज टू प्रिपेयर, एंड ब्यूटीफुल गार्डन्स दे यूज टू बिल्ड इन देयर मॉन्यूमेंट्स, इन देयर पैलेसेस. मॉस्क, इन द इस्लामिक स्टाइल ऑफ कंस्ट्रक्शन द मॉस्क इज़ वेरी सिग्निफिकेंट. ऑफकोर्स इस्लामिक में मॉस्क सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. द मॉस्क इज़ कॉल्ड मस्जिद इन अरेबिक एंड इज लिटरली मीन्स अ प्लेस वेयर द मुस्लिम प्रे इन रिवर्स टू Allah. Now Muslim rulers in India built a large number of mosques to show their devotion to Allah and also to earn. See, this is the mosque in Delhi, Moti Masjid, the temple, that is mosque in Delhi. And goodwill of the ulamas, वो लोग जो अल्लाह को, like we pray to the to God Shiva, God Vishnu, that way they pray to Allah, and that for the goodwill of the ulamas. A mosque has certain specific features. It generally has an open courtyard with a domed prayer hall on the western side, which is the direction of Makkah from India.
इनका हमेशा जो भी कोर्टयार्ड होता है जहाँ वो लोग प्रे करते हैं एंड उसका जो वो जो हॉल होता है ना वो वेस्ट साइड को फेस करता है बिकॉज दे गो फॉर पिलग्रिमेज टू मक्का एंड इट फेसेस ओवर देयर फ्रॉम इंडिया. द इनसाइड वॉल इन द मक्का साइड हैज़ अ निक कॉल्ड द मेहराब. मेहराब की तरफ फेस करके वो लोग पूजा करते हैं. दिस इज़ द मोस्ट सीक्रेट पार्ट ऑफ द मॉस्क एज इट इंडिकेट्स द किबला द डायरेक्शन टू मक्का दैट द मुस्लिम्स हैव टू फेस वाइल प्रेइंग. ऑफन देयर इज अ टैंक फॉर रिचुअल वॉशिंग. हमेशा वहाँ पर एक टैंक रखा होता है जहाँ पर दे आर वॉशिंग देयर हैंड्स देयर फीट एंड दे वॉश देयर फेस एंड देन दे गो फॉर नमाज. देन बाउलीज एंड अदर वाटर वर्क्स. बाउलीज दैट इज स्टेप वेल्स आर टैंक्स विद स्टेप्स दैट लीड डाउन टू वाटर. दे आर यूजली बिल्ड फ्रॉम स्टोन रबल और ब्रिक्स. सम इवन हैड डिजाइन कर्व इन टू दैम. बाउलीज वो बिल्ट सो दैट एवरी वन हैड एक्सेस टू वाटर. दीज स्ट्रक्चर्स मिनिमाइज एवेपोरेशन अलाउड अंडरग्राउंड रिजर्व टू रिफिल. दे could also store rain water. Some of them even had chambers underground so that people could escape the heat. Baulis were built by the rulers and the rich. They can be found in Delhi, Haryana and Gujarat. ये होती है बाउली. सी यर दे यूज टू फिल वाटर एंड दे यूज टू गो डाउन टू फिल एंड यर दे व्हेन देर वाज अ ड्यूरिंग द समर सीजन दे यूज टू सिट ओवर यर सो दैट दे वर फीलिंग कूल बिकॉज वाटर वाज देयर इनसाइड इट एंड सो दे यूज टू फील कूल. सो दैट वाज कॉल्ड बाउलीज और टैंक्स बिग टैंक्स दैट वाज बिल्ड बाय द रूलर्स एंड द रिच पीपल ऑफ दैट टाइम. The ruler also had tanks, wells and canal built and maintained for the welfare of the people. Making water available by constructing tanks and wells was considered highly praiseworthy. Itutmish is credited with building many baulis. Itutmish jo the wo baulis banane mein expert the. Like he was the one who used to prepare baulis. Like the Gandak ki bauli and the Hauza-e Samsi. Near Mehrauli is the 13th century. Firoz Shah Tughlaq is also said to have built many baulis. Firoz Shah Tughlaq ne bhi bahut sari baulis bana rakhi thi. And then now comes the havelis. Now havelis kya hoti hai? Haveli are a particular variety of inward looking fortified houses with a large courtyard. The courtyard provides privacy and ventilation in the limited area of the haveli. They were built by the noble officers, wealthy merchants and citizens in North India and Pakistan. ये जो होती है ना सारे मतलब जो हाउसेज होते हैं ना अलग अलग बने होते हैं और दे आर फोर्टिफाइड मतलब इनसाइड ओनली दे आर एंड देयर ओनली वन कोर्टयार्ड इज देयर. एवरी वन कैन यूज दैट कोर्टयार्ड एंड दे लिव टुगेदर लाइक अ इन यूनिटी दे स्टे ओवर देयर. दैट इज कॉल्ड हवेली एंड दैट वॉज मोस्टली बिल्ट ओवर देयर नॉर्थ इंडिया एंड पाकिस्तान. द मटेरियल यूज फॉर बिल्डिंग हवेली इज डिपेंडेंट ऑन रीजनल अवेलेबिलिटी. कच्चा दैट इज मड बिल्ट हाउसेज वो कॉमन इन मोगल सिटीज इन द बिगनिंग. इन राजस्थान हवेलीज वो मेड ऑफ स्टोन और रबल एंड द रैंडर. देन द अवेलेबल स्टोन वॉज पुअर क्वालिटी. वुड वॉज यूजली यूज फॉर डोवेज लकड़ी के जो दरवाजे बनाते थे वो लोग और ब्रिक्स यूज करते थे उसके बनाने के लिए वॉल्स. मैनी ऑफ द हवेलीज इन इंडिया वो इंस्पायर्ड एंड इन्फ्लुएंस बाय द इंडियन पर्शियन एंड सेंट्रल एशियन आर्किटेक्चर. राजस्थान आगरा लखनऊ एंड दिल्ली हैव मैनी फाइन हवेलीज. इधर बहुत सुंदर सुंदर हवेली बनी हुई आपको मिलेंगी. द हवेलीज इन राजस्थान हैव बिकम फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशंस. दीज हवेलीज आर ब्यूटिफुली डेकोरेटेड विद कलरफुल पेंटिंग्स एंड इंट्रिकेट कार्विंग्स. बहुत सुंदर कार्विंग्स हैं एंड ब्यूटिफुली डेकोरेटेड हवेलीज आर देयर इन राजस्थान विच द टूरिस्ट आर अट्रैक्टेड. दे कम एंड सी दोज हवेलीज ओवर हियर. नाउ गार्डन बाबर हैड फाइन एस्थेटिक टेस्ट बट ही डिड नॉट बिल्ड मैनी मॉन्यूमेंट्स इन इंडिया. मोस्ट ऑफ वॉट ही बिल्ट वॉज नॉट सर्वाइव. इन हिज ऑटोबायोग्राफी बाबर मैंशन हिज इंटरेस्ट इन प्लानिंग एंड लेइंग आउट लार्ज गार्डन. बाबर को ज़्यादातर मॉन्यूमेंट्स में इंटरेस्ट नहीं था. ही वॉज इंटरेस्ट इन बिल्डिंग द गार्डन्स. ब्यूटिफुल गार्डन्स ही यूज टू बिल्ड. दीज गार्डन्स वर प्लेस विद रेक्टेंगुलर वॉल एनक्लोजर्स एंड वर डिवाइडेड इंटू फोर पार्ट्स और क्वार्टर्स बाय आर्टिफिशियल चैनल्स. दीज आर कॉल्ड चार बाग और चार बाग. चार मीन्स फोर एंड बाग मीन्स गार्डन. इन इस्लाम गार्डन सिम्बोलाइज पैराडाइज. इन दीज कॉन्सेप्ट ऑफ पैराडाइज देर आर फोर रिवर्स ऑफ वाटर मिल्क हनी एंड वाइन. दिस नोशन ऑफ फोर रिवर्स इंस्पायर्ड द फोर पार्ट डिजाइन ऑफ द चार बाग गार्डन. बाबर अकबर जहांगीर एंड शाहजहाँ हैड मैनी गार्डन्स लेड आउट इन पर्शियन स्टाइल इन एंड अराउंड आगरा दिल्ली कश्मीर एंड लाहौर. फ्यू ऑफ दीज गार्डन स्टिल एग्जिस्ट. नाउ ये जो बाबर और अकबर और जहांगीर शाहजहाँ इनको गार्डन बनाने बहुत अच्छे लगते थे एंड दे वो बिल्ट ओवर हियर. व्हेन यू गो टू दीज प्लेसेस यू कुड सी द गार्डन्स ओवर देयर.